हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल। द प्लेस इज हियर्ड 3.35 सेकेंड लेटर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वेल? ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक वेल है। ठीक है, वेल का मतलब हो गया कुआ। एक हमारे पास वेल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ही हम इस वेल के अंदर, ठीक है, कुछ भी अगर मान लो कोई स्टोन हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो जो ड्रॉप है अगर हमारा जो भी प्लेस, यानी कि यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है, तो वाटर जब यहाँ पे इस पे गिरेगा तो प्लेस यानी कि एक साउंड जनरेट होगा। तो ये जो साउंड है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसको कितने 3.35 सेकेंड बाद इसको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमारे को डेप्थ फाइंड करनी है। मैंने मान लिया ये जो डेप्थ है ये एच है। ठीक, तो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, उसको हम कितना डिनोट करते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड से इसको डिनोट। तो देखिए यहाँ से जो साउंड है यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि एयर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो 330 मीटर पर सेकेंड हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, टाइम जो टेकन है वो 3.35 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू, यानी कि एस इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक इक्वेशन है हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो यहीं से निकल जाएगी एच। ठीक है, तो एस जो डिस्टेंस ने ट्रेवल की है वो कितनी है, एच। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो प्लस हाफ। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये जी ले लेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इसका टाइम आ गया, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब द टाइम टेकन बाय द साउंड इज प्लेस टू रीच द टॉप ऑफ द वेल, वो कितना होगा, टाइम टी डैश। ठीक है, हम टाइम की बात कर रहे हैं, जो टाइम है वो कौन सा है, टाइम टेकन बाय साउंड, यानी कि जो साउंड हमारा जो है प्लेस करके जब ऊपर पहुंचेगा, इस प्लेस का जो साउंड होगा वो जब टॉप के जो हमारा टॉप ऑफ द वेल पर पहुंचेगा तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। सिंपल है, हम जानते हैं जो साउंड है वो एयर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो एयर में होगी वो हम लेके चलेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। अब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, एच डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, किस वेलोसिटी से की है, क्योंकि साउंड है और वो एयर के अंदर उसकी वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो t डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 330। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने h की वैल्यू रख दी जो हमने पहले फाइंड की थी, ये इक्वेशन वन हम इसको बोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये हमारे पास t डैश आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए t डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, t डैश हम फाइंड करते हैं, t डैश इज इक्वल टू, ठीक है, जी की वैल्यू हम 10 अज्यूम करते हैं, 10 × t² डिवाइड बाय, ठीक है, 330 × 2, ये हो जाएगा 660। ठीक है, ये 660 हो जाएगा। ठीक है, जी हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं। तो यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो टी स्क्वायर डिवाइड बाय 65, सॉरी 66। अब देखिए जो टोटल टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुंचा उसको जो साउंड सुनाई दिया वो कितनी देर बाद, 3.35 सेकेंड के बाद उसको सुनाई दिया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जो साउंड ऊपर जाएगा वो टाइम हो जाएगा और जो नीचे आएगा वो टाइम। ठीक है, तो टोटल हमारा टाइम जो है वो टी प्लस टी डेस हो जाएगा। तो टी प्लस टी डेस करेंगे तो टी प्लस टी डेस की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 60 है। ठीक है, और ये जो टी प्लस टी डेस है वो हमारे को कितना गिवन है, 3.35 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अब इक्वेशन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर यदि 66 है, सो 66 टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.35 × 66। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, बाइनोमियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 66 टी हो जाएगा, माइनस इसको मिला लेके आ जाएंगे, सो 2 2 1.6 सॉरी 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 66 टी माइनस 2 2 1.1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी
डिवाइड बाय टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन को सोल्व करने का। तो यहाँ से हम टी फाइंड कर लेंगे माइनस बी, सो माइनस बी हमारा 66 है, प्लस माइनस रूट ऑफ 66 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड ए हमारा 1 है, सी की वैल्यू की अगर बात करें वो माइनस 221.1 डिवाइड बाय 2 ए, सो 2 मल्टीप्लाइड 1, सो यहाँ से टाइम फाइंड करेंगे माइनस 66 प्लस माइनस रूट ऑफ 66 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5240.4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 66 प्लस माइनस 72.3 डिवाइड बाय। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव लेके चलेंगे एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे, तो देखिए जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये हमारे को टाइम जो है नेगेटिव मिल रहा है, तो माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम ड्रॉप करते हैं, तो माइनस 66 प्लस 72.3 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास इसका टाइम निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे देखिए बचेगा 6.39 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3.19 सेकेंड, तो ये हमारे पास टाइम निकल गया। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या फाइंड करना था, हमारे को फाइंड करनी थी डिस्टेंस। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन थी उसी का हम यूज करेंगे, सो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था वो। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो देखिए हमने टी फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हम टी डेस भी तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टी डेस हम कहाँ से फाइंड करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम टी डेस फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, तो टी डेस की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, सो टी डेस इज इक्वल टू 3.19, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 66, तो ये हमारे पास निकल जाएगा 0.15 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास टी डेस निकल गया, हमारे को क्या फाइंड करना था, हमारे को फाइंड करना था एच, तो एच इज इक्वल टू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखिए एच इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय 330 टी डेस इज इक्वल टू, वो हमारा एच के इक्वल था, सॉरी ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, टी डेस इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 330 था। ठीक है, तो यहाँ से हम एच एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री टी डेस मल्टीप्लाइड 330। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो एच इज इक्वल टू टी डेस की वैल्यू हमारी 0.15 निकली है मल्टीप्लाइड 330। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49.5 मीटर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।